गाइज ऊंट जो होता है वो मात्र 3 मिनट में कितना पानी पी लेता है आप जानकर चौंक जाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं होते हैं जो 3 मिनट बहुत अधिक पानी पीते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा क्यों होता है और कितना पानी पीता है? गाइज सबसे अधिक सुअर यानी कि पिग कहाँ पर पाया जाता है? सबसे अधिक पिग सुअर कहाँ पाया जाता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे अधिक चीन में, यानी कि चीन में कितना, दुनिया में जितना सुअर है उसके आधा यानी कि 50% मात्र चीन के जो कि देहात यानी किसानों है चीन के, उनके पास सुअर है। दुनिया के 50% सुअर चीन के ही किसान के पास है। कोई भी व्यक्ति जैसे कि हम लोग आप लोग एक दिन यानी कि एक डे में कितने बार हंसता है और कितने बार हंस सकता है? सबसे अधिक है, या नहीं कि 24 घंटे तो हंस नहीं सकता है, लेकिन कितने दा, यानी कि 10 दा, लगभग 10 दा के करीब एक दिन में आप हंस देते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एफिल का जो टावर है जो कि बहुत अधिक उसमें धापे यानी कि लोहे लगे हुए हैं, वहाँ कितने बार यानी कि किस समय वहाँ पूर्ण रूप से बदले जाते हैं पार्ट पुर्जा उनके, इसलिए क्योंकि ढहे नहीं 7 साल, यानी कि प्रत्येक 7 साल पर उस टावरों को, प्रत्येक पार्ट पुर्जा को बदला जाता है कि वहाँ जैसे बहुत बड़े हैं तो ढहे नहीं, यानी कि वह नष्ट नहीं हो सके, किसी को क्षति नहीं पहुंचा पाए, इसलिए 7 साल पर बदले जाते हैं। कौन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक यानी कि अधिक मात्रा में जोरवे यानी 2 बच्चे एक साथ होते हैं, जोरवे बच्चे होते हैं, किस देश में सबसे अधिक है? नाइजेरिया। नाइजेरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिक मात्रा में जोरवे बच्चे ही जन्म लेते हैं, वहाँ पर सिंगल। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हरे भरे खेत जैसे कि साग सब्जी या साग सब्जी जो उगाए जाते हैं वहाँ खेत में, यानी कि 1 एकड़ में कितने मकड़िया होते हैं, कीटनाशक होते हैं, कीटाणु 1 एकड़ यानी कि 1 बीघा में 50,000 से अधिक कीड़े मकोड़े अवेलेबल हो जाते हैं सब्जी उगाने के दौरान, इसलिए किसानों को बहुत क्षति करना पड़ रहा है, रुपयों को ज्यादा बर्बाद करना पड़ रहा है अपने दवाई के यानी कि दवा को छिड़काव करने के लिए। हमारे आँख यानी कि हमारे आँख के अंदर थोड़ा सा हल्के हरे रंग का जो कलर होता है उस कलर को क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे रहा है आपके आँख के अंदर थोड़ा हरे कलर का है उसे वास्तविक रूप यानी कि वास्तविक नाम क्या है, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे आयरिस कहा जाता है, जो कि हल्के हरे रंग के होते हैं उसे आयरिस के नाम से जाना जाता है। गाइज कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो बिना अपने मुंह को खोले हुए अधिक स्वादों को ले सकता है? अधिक ऐसा जीव जंतु है, मछलियाँ जो है बिना मुँह यानी बिना मुंह के अंदर कोई भी वस्तु के लिए हुए वहाँ स्वाद चक्कर बता देती है कि किस प्रकार के स्वाद है, जैसे कि हम लोग कभी कभी नाक के द्वारा सूंघ कर बता देते हैं कि कैसा स्वाद इसका लग रहा है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई भी मीट या मछली बन रहा है तो आप लोग बहुत टेस्ट लग रहा है, कैसे आपको पता, सूंघ कर खाए तो नहीं, इसी प्रकार मछलियाँ बताते हैं। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इग्नुआ होता है, इग्नुआ जानवर, वह पानी में कितने देरों तक रह सकता है? सबसे अधिक उसी का रिकॉर्ड है कि पृथ्वी पर रहते हुए भी पानी में अधिक देरों तक रह सकता है और सांस को रोके हुए। इग्नुआ पानी में आधे घंटे तक वह सांस को रोक कर रह सकता है। बाकी जानवर में ऐसा नहीं है कि वह सांस को रोक कर इग्नुआ की तरह पानी में आधे घंटे रह सकता है, ऐसा नहीं होता है। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जीव जंतु है उसे रीढ़ ही होता ही है, जैसे कि मनुष्य को रीढ़ है, मछलियों का जो अंदर कांटे होते हैं बड़े बड़े और उसके बीच जो सीढ़े होते हैं वह रीढ़ हैं, और कोई ना कोई जीव जंतु का है, लेकिन जेलीफिश है जिसके पास रीढ़ नहीं होता है, वह बिना रीढ़ के केवल मांस के ही कारण चलता है, मांसपेशिया की तरह, जैसे कि हाथी का सुर में अधिक मांसपेशिया होता है वह केवल मांसपेशिया पर चलता है जेलीफिश। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज हम लोगों और आप लोगों के पास था यानी कि सामने बालू का ढेर है और वह बयार यानी कि हवा के कारण वह स्टार्ट हो गया, हमारे आँख पर आने लगा। आप लोग हम लोग आँख को बंद अधिक देर तक कर नहीं सकते हैं और अधिक देर करने के कारण आपके अंदर किसी न किसी प्रकार से बालू प्रवेश कर जाएगा, लेकिन एक ऊँट ही है जिसके आँख में प्रवेश नहीं कर पाएगा और आँख को खोले हुए रहेगा, यह नहीं कि पूरे आँख खोले हुए रहेगा, थोड़ा सा वह आँख के पलकों को झर नीचा कर लेगा और आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वह आँख को
थोड़ा सा पल के झपकाए हुए रह सकता है और बालू का भी आंधी से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 3 मिनट के अंदर में कितने पानी पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं तो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, लेकिन कौन सा जानवर जो 3 मिनट के अंदर 94 kg पानी को पी लेता है, यानी कि ऊंट। ऊंट जो जानवर है वह मात्र 3 मिनट के अंदर में 94 kg पानी को पी सकता है, यानी कि लगभग 1 क्विंटल के करीब जी ऊंट।